गार्लिक के तमाम व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन मलाई कबाब। वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है आपको पसंद आए। मलाई कबाब बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम कीमा, मटन का कीमा है ये, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और मुट्ठी भर हरा धनिया और पुदीना हमने काट कर रख लिया, वो डाल देंगे। और अब इस मिक्सचर के साथ इसको अच्छी तरह कीमे को मिलाएंगे। इस कीमे को हमने एक प्याज के साथ पीस लिया, मतलब इसके साथ प्याज भी एक ग्राइंड कर ली। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है अदरक का पेस्ट, जिससे ये कबाब जो है सॉफ्ट बने। और इसे 2 से 4 घंटे मैरिनेट करने जरूर रखें फ्रिज में, तो ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून फुल भर के थिक क्रीम, आप कोई सी भी क्रीम डाल सकते हैं। और इसे 10 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स करना है, पहले भी और अब क्रीम मिलाने के बाद भी, क्योंकि ये मलाई कबाब है तो क्रीम डालना ज़रूरी है। इधर हमने थोड़ा पानी ले लिया और पानी के साथ इन कबाबों को जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आप शेप बना लें। मैं थोड़ा लंबा बनाऊंगी इस तरीके का। पैन को हमने गर्म करने रख दिया, इसमें लिया है हमने 4 टेबलस्पून ऑयल और इन कबाबों को अब हम इसमें फ्राई करेंगे। कबाबों को पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह सिक जाए, और लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये गल भी जाए। देखिए सिकुड़ कर ये छोटे साइज के होने लगे। अब इन्हें हम ढककर 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और कबाब गल भी चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, देखें कितने अच्छे फ्राई हुए। अब पैन में हमने लिया है 1/4 कप ऑयल, फ्लेम ऑन कर दिया था हमने। अब इसी बीच हमने ली है 2 प्याज, जिसे हमने कोर्सली ग्राउंड कर लिया, यानी के दरदरी सी पीस ली, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। और इसे हम ऑयल में डालेंगे, इसे हल्का प्याजी होने पर फ्राई करेंगे, यानी कि 4 से 5 मिनट या जितने में आपकी प्याज प्याजी हो जाए। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, और इसे 2-3 मिनट भूनेंगे या इसे तब तक भूने जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए, तो वो कच्ची सी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं होती है ग्रेवी में, इसलिए हम इसे 2-3 मिनट भूनेंगे। हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च कटी हुई, आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी चाहिए
आप वो डाल सकते हैं और इसे मसाले के साथ भूनेंगे। मिर्च के बाद अब हम डालेंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी के कोकोनट का बुरादा या नारियल का बुरादा और मसाले के साथ इसे मिलाएंगे। ग्रेवी हो चुकी है, अब इसमें हम मिलाएंगे क्वार्टर कप अच्छा फिटा हुआ दही से ये ग्रेवी थिक भी हो जाए और इसमें मिठास ना हो, मिठास और खट्टापन दोनों बैलेंस हो जाए और इसे एक मिनट तक लगातार चलाएंगे। आधा टीस्पून हम डालेंगे दक्षिणी मिर्च का पाउडर यानी कि व्हाइट पेपर और आधा टीस्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। एक टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें और 10 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। ग्रेवी पक रही है और इसमें हमने थोड़ा पानी और ऐड किया और अब हम डालेंगे इसमें 8 से 10 काजू और उसके साथ ही ये कबाब भी डाल देंगे ताकि ये भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह पक जाए और ग्रेवी इसमें ग्रेवी के साथ घुल मिल जाए। तो इसे ढककर पकाते, ग्रेवी और कबाब पक रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डाल सकते हैं। हमारे यहाँ ना ज्यादा तेज खाया जाता है ना बिल्कुल फीका, तो जब तक ये पकते हैं तो फिर मिलते हैं इसके बाद। 15 मिनट से ग्रेवी भुन रही है, अब ये अच्छी खासी भुन चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या लॉन्ग लाइफ क्रीम जो भी आपके पास हो। इसे ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा ध्यान से मिक्स करेंगे ताकि हमारे कबाब ना टूट जाए। और 1 मिनट पकाने के बाद इसे हम डिश आउट करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। इसे गार्निश करेंगे हम धनिया पत्ती से। मटन मलाई कबाब तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत मजेदार रेसिपी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, दिल करें तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।